अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त इस वीडियो में जो है ना वो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कुछ मसरूफियात ऐसी थी। तो जो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ वो है मसाला चाप की, ग्रीन मसाला चाप। आई होप कि आपको पसंद आएगी, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो वीडियो शुरू होने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें। तो जल्दी से अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो बस रेसिपी अपनी स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई में मैंने हाफ कप जो है वो ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम चाप ऐड कर देंगे। चापों को जो है वो हल्का सा फ्राई कर लें ताकि इसका पानी जो है वो सूख जाए। जब पानी चापों का सूख जाएगा तो इसमें आपने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद जो है चापे अच्छी तरीके से अदरक लहसुन के साथ मिक्स कर लें ताकि कोई स्मेल ना रहे। जब तक हमारा जो है वो चापे भुनेंगी अदरक लहसुन के साथ, हम जब तक अपना हरा मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं। हरे मसाला हमें तैयार करने के लिए इसमें मैंने 1 हरे धनिए की गड्डी ली है, कुछ पत्ते जो है पुदीने के लिए हैं और हरी मिर्चें लिए हैं। अब इनका हम पेस्ट बना लेंगे। इमरान जो है साइड पे चापे देख रहे हैं जब तक मैं हरा मसाला पीस रही हूँ अपना। अच्छा, हरे मसाला जो मैं पीस रही हूँ उसमें मैं साथ में काली मिर्च 1 चाय का चम्मच जो है वो ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो ये मसाला चाप हम बनाते हैं इसमें सिर्फ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और जो है हरी मिर्चों का ही टेस्ट आता है। इसमें हम लाल मिर्ची ऐड नहीं करते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है, ट्राई कीजिएगा ज़रूर। तो हरा मसाला जो है वो मेरा रेडी हो गया है। अब जो हरा मसाला हमने तैयार किया है वो चापों में ऐड कर देंगे। अब ये सारे मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून कुटा हुआ साबित धनिया यानी 1.5 चम्मच आपको जो है इसमें कुटा हुआ साबित धनिया ऐड करना है। अब जो मसाले हमने ऐड करे हैं इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। सारे मसाले ऐड करने के बाद इसमें हम लास्ट में जो है दही ऐड करेंगे। दही जो है वो 1 प्याली मैंने लिया है और 1 पाव पूरा दही नहीं था, ये 1 पाव से कम दही था यानी 1 प्याली दही था ये पूरा। तो अब दही डालने के बाद इसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, नमक जो है वो जाहिर सी बात है इसमें हसब ज़रूरत ऐड होगा। मैं शायद वीडियो शूट करना भूल गई थी या मुझसे मिस हो गया, तो नमक इसमें डलेगा। ठीक है, नमक हम हसब ज़रूरत ऐड करेंगे और जो है इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के, जब आप दही मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको आप ढाँप के रख देंगे 13 से 14 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, और ये अपने ही पानी छोड़ेगा इसमें और इसी में ही गोश्त गलेगा और ये बहुत मज़ेदार तैयार होती है। 13 से 14 मिनट के बाद आपकी जो है ये मसाला चाप रेडी हो चुकी होगी। अच्छा, मसाला चाप मेरी रेडी हो गई है, आप वीडियो में देख रहे हैं। इसमें मैंने क्रीम ऐड करी, क्रीम जो है वो ऑप्शनल है, इमरान शौक से खाते हैं इसलिए उन्होंने क्रीम ऐड करी थी। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। एंड में इसमें जो है वो हरी मिर्च और हरा धनिया ऐड कर दें गार्निशिंग के लिए। और रेसिपी बहुत मज़े की है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा ये। आई होप कि आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मिलेंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन पर ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। बहुत सारी दुआओं के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।